याद में तेरी जहां को भूलता जाता हूं मैं, ओ भूलने वाले कभी तुझको भी याद आता हूं मैं। तेरी नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। हम नहीं तीर और तलवार से डरने वाले, कत्ल करना है तो तिरछी नजर काफी है। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। तुम हंसी मजबाओ, दिल में मोहब्बत के शोले भड़क उठे हैं और तुम भी मुझे अपना राजा जानी मान चुकी हो, लेकिन कब तक रातों को जुगनू की तरह मिलते रहेंगे। नया जमाना आ चुका है, किसी तरह अपने माँ बाप को मना लो, वरना सीता मैं गीता पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम्हें हर बंधन से आजाद करके ले जाऊंगा। तुम डायलॉग भी अच्छे बोलती हो और शेरों की अदायगी भी अच्छी है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई भी है क्या? क्या तुम मुझे हर सुख दे सकोगे, जिंदगी भर मेरा साथ निभा सकोगे? यकीन नहीं आता तो ये दिल चीर कर देख लो, इस पर सिर्फ एक ही नाम लिखा होगा, तुम्हारा, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। क्यों यकीन नहीं आता? यकीन है, तुम ही मेरा विश्वास, मेरी जिंदगी, मेरा धर्म, सब कुछ तुम ही हो। अबे ओ घन चक्कर हेज मासवाइस की औलाद, जगा दिया, इतना अच्छा लव सीन चल रहा था मेरा हिरन के साथ। अरे बाप रे, सूरज सर पे चढ़ाया, 8:30, 9:30 तो स्क्रीन टेस्ट है। अच्छा हो यार तूने मुझे वक्त पे जगा दिया, आज अगर स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो गया ना तो हीरो बनते ही तुझे मखमल के गद्दों पे बिठाऊंगा, हिरन तुझे गोद में लेके मेरे लिए दुआ करेगा ना। अरे वाह वाह मेरे यार, चलता हूँ। भगवान मोहम्मद वाहेगुरु यीशु मसीह, आज मेरा स्क्रीन टेस्ट है, आशीर्वाद दो मैं स्क्रीन टेस्ट में पास हो जाऊं और मेरा नाम इन महान कलाकारों में शामिल हो जाए। बस ज्यादा नहीं, 5-5 लाख के 5-10 कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए ना तो उस गरीब की दाल रोटी चल पड़ेगी। संडे कैसा हो? हाय फ्लोरी, थोड़ी सटक आज हम सटकेगा नहीं तेरे साथ, अटकेगा मैन। तुम अटकेगा तो हम इधर ही लटकेगा, मैं जरा जल्दी हूँ, हट जा। वेट वेट वेट, देख आज मेरा स्क्रीन टेस्ट है, अगर मैं कामयाब हो गया ना तो हिरन का रोल तुझे दिलवाऊंगा। सच्ची? प्रॉमिस? प्रॉमिस, नो चीटिंग। नो चीटिंग, ओके थोड़ी सटक 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 सटक। एक ऑमलेट, दो स्लाइस और एक गरम चाय। अभी लाया सर। बस राज बाबू बस, पर तूने क्यों के सबर की भी आठ होती है, अब तो बहुत हो चुका। क्या बहुत हो चुका बाबा? एक ऑमलेट, दो स्लाइस, एक कप गरम चाय, इतनी खुराक तो बॉम्बे का छोटा सा कॉकरोच खा जाता है। मैं तो 6 फुट का आदमी हूँ। तुम आदमी है कि गंजक का? मारी समझ में तो आज तक नहीं आया, कोई काम धंधा करने तब तक फोकट का खाता रहे। ए, ए, बाबा फोकट नहीं, उधार बोलो। हा? अपना हाल जरा नरम है लेकिन दिल बहुत गर्म है। आज अगर स्क्रीन टेस्ट में कामयाब हो गया तो तुम्हारा होटल तो क्या, लाइन से सारी दुकानें खरीद लो। आप बड़ी बड़ी बात रेवा देनी, जिंदगी की खैर मार तू। जग्गू याद है ना जो तेरी वजह से जेल में गया था, सजा भुगत कर वापस आ रहा है। वापस आ रहा है? नहीं छोड़ूंगा, मैं जीता हूँ, ये पैसे मेरे हैं। क्या कहा? ये पैसे मेरे हैं। ये पैसे तेरे हैं? हाँ मेरे हैं। आराम खान।
नहीं ले जाइए इसे। अच्छा बेटा, जेल से आने के बाद सबसे पहले तेरा ही हिसाब करूंगा। आ रहा तो आने दो, अपन को डरता उससे। साले ने चप्पू दिखाया तो फिर अंदर करवा दूंगा। अबे पागल मत बन, बेझाठी काम ले। दिख रहा गुंडों के मुंह नहीं लगा करते। मेरी मान तो आने से पहले रफू चक्कर हो जा। एक पेटीकोट, एक ये दस। मुन्ना इधर आ, इधर चाय वाय पिया? नहीं नहीं, नहीं। तो एक काम करो। क्या? ये लो, तुम जाओ चाय पियो और एक कप चाय अपने साहब के लिए लाना। जा और वो बिस्किट खा लेना। साला एक था वो भी गया। जल्दी से एक अच्छी सी ड्रेस दे दे। अच्छी ड्रेस नहीं है। अरे ये चलेगी, ये चलेगी। बाबा की दुकान है क्या? मोहन मोहन प्यारे, जल्दी से दे दे, नहीं तो वो आ जाएगा। मैं नहीं दूंगा। अबे सुबह सुबह पड़ोती नहीं लगाते। आज मेरा स्क्रीन टेस्ट है यार। तेरा स्क्रीन टेस्ट? हाँ। तू हीरो बने ना बने, मेरी जरूर इस दुकान से छुट्टी करवाएगा। बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हो साले। साड़ी ब्लाउज ब्रेजगिर देख के ललचाते रहते हो। अबे जरा सोचो, मैं हीरो बन गया तो तुम मेरे सेक्रेटरी होगे। मैं? हाँ, हमारी रीच इम्पाला कार होगी, जू से जाएगी। और जेब कड़कड़ाती हुई नोटों से भरी होगी। लड़कियां मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे गिर चक्कर काटेंगी। प्रोड्यूसर तुम्हारी खुशामद करेंगे डेटों के लिए। फिर एक दिन तुम्हें भी प्रोड्यूसर बना दूंगा। और फिर एक दिन तुम्हें फॉरेन कंट्री ले जाऊंगा। मैं तो सेक्रेटरी बनूंगा। लोग मुझसे डेटे लेते आएंगे, इम्पाला में बैठ कर जाएंगे, कड़कड़ाते नोट और फिर जाएंगे। ओनो लुलू, ओनो लुलू, जा 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 जा। कैसा लगता हूँ? अरे वारे देवनंद, बिल्कुल हीरो लगता है, बिल्कुल हीरो लगता है। तो फिर जल्दी से 20 रुपए निकाल। ये क्या, वो सब गए? हाँ वो सब गए। तू पुस्का ले, पुस्का अभी लेता हूँ। जल्दी से 20 रुपए निकाल। क्या करेगा? अबे स्टूडियो जाऊंगा टैक्सी में, नहीं तो वॉचमैन अंदर घुसने नहीं देगा। लेकिन मेरे पास 20 रुपए नहीं है। 10 निकाल। 10 भी नहीं, 5 निकाल। देख मेरे पास सुन, मेरे पास 2 रुपए है, ये ले जा और काम चला। ले पकड़। कड़का साला, 1 रुपया वो ले गया और 2 रुपए मैं। एक काम करना, स्टूडियो के 2 फरलांग इधर से टैक्सी में बैठ जाना, इज्जत भी बच जाएगी सीधा अंदर। अरे अरे मुन्ने। अच्छा सुन, वो डायरी खरीद के रखना। डायरी? हाँ, मदन मोला, प्रमोद चक्रवर्ती, सुरजीत औजला, बलदेव साहब अपने से डेटे मांगने आएंगे। भगवान इसको हीरो बना ही दे, फिर हम दोनों मिलकर होनो लुलू जाएंगे। होनो लुलू। अरे ओ बड़े बाप की बेटी, सत्यानाश तेरा। स्क्रीन टेस्ट के ले जा रहा था, कर गई मेकअप। पीछे आ रही है तो क्या कहा? ए चश्मिश, ये गाड़ी चलाने का लाइसेंस कहाँ से मिला? इसे क्या बाप का बागीचा समझा है? बाप का बागीचा तो तुम्हारा है। सड़क पार करना नहीं आता तो मम्मी की उंगली पकड़ के चला करो, समझे? ए जबान संभाल के बात करो मैम साहब, तुम्हारी जगह कोई मर्द होता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। क्या कर लेता? क्या कर देता? ये कर देता। यू इडियट, फूल, लोफर, शिट, ब्लाइंड, मुरली मच गई। वाह बिल्कुल हीरो लग रहा है। अरे होली खेलने का इतना शौक था तो मेरी लांडी के कपड़े उतार के होली खेली। अबे होली कौन खेला है? मैं जा रहा था, उधर से एक रईस आदि कारी गाड़ी में आई, सामने खड़ा था, कट से गड्ढे में डाल जाने और फट से मेरा उंगली बिगाड़ दिया। एक काम कर, जल्दी से दूसरे कपड़े। मेरे पास कोई कपड़े नहीं। प्लीज, बिल्कुल कपड़े नहीं, सबकी डिलीवरी जाने वाली है। नहीं ये अभी आया मैंने। प्लीज दे। नहीं ये नहीं, ये नहीं, मेरा मेरा धन दस का। नहीं प्लीज दे दो। नहीं प्लीज। अरे सुनो सुनो। अरे भाई डायरेक्टर तुम हो या मैं हूँ?
रखे तो आप है, मैंने क्या क्या तो मैं जा रहा, तुम क्यों बोलते हो? मैं आखिर अलग बोल रहा था। हाँ! जगलो, ये सर, ये तुमने कहाँ से लाया? ये तूने कहाँ से लाया? ये दिलीप साहब की कॉपी करता है, राज साहब की कॉपी करता है, देवानंद की कॉपी करता है, अरे ये मेरी भी कॉपी करता है, लेकिन अपना कुछ नहीं बोलता है। एक काम कीजिए, अपना बोलूंगा, मेरा मेरा देखिए, मैं एक चांस दीजिए, एक चांस। मैं आपको एक चांस देता हूँ, प्लीज एक चांस दीजिए। मैं भी एक चांस देता हूँ, आप करोगे? हाँ जी, जो बोलेंगे वो ही बोलूंगा, है ना? हाँ जी, अपना नहीं बोलूंगा, जो बोलेंगे वो बोलूंगा। अच्छा? हाँ जी, प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट, प्लीज गेट आउट, गेट आउट। आगे पार्टनर, ये दो रुपए ले, जा पिक्चर देख, क्या पिक्चर देख, क्या पिक्चर। पार्टनर मूड ऑफ है, हीरोइन के साथ झगड़ा हो गया क्या? पनौती 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 पनौती, कपड़े दिए वो पनौती, बाहर गाड़ी वाली मिली वो पनौती, डायरेक्टर मिला वो पनौती, फेल कर दिया स्क्रीन टेस्ट में, फेल होता हॉलीवुड में मैं बड़ो बड़ो की छुट्टी कर देता। चलो मैं पतलू बन लिया, मुझे जा अंदर बदल। अरे किस्मत चने थे बोलो लू। हाँ बेटा, अब इस डायरी में प्रोड्यूसर की जगह लिखो साड़ी ब्लाउज अंडरवियर। अरे रो क्यों रहा है, हम मर नहीं गए हैं, आप एक मच्छर के काटने से शेर नहीं मरते। इस मनहूस कोट की जेब से हमारी रेसगाड़ी निकालो, ये लो 50 नए पैसे। बॉस हैं बॉस हैं, और फिर आज हमारा हाथ बुरी तरह खुजला रहा। क्या मतलब? सट्टा जिंदाबाद। पार्टनर ये हीरो नहीं बन सके तो एक्स्ट्रा का कार्ड बनवा ले। डाइनर्स क्लब खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई। क्या खुल गई? अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग। हाँ, इस कार्ड के जरिए हम आराम और आसाइश की हर चीज ला सकते हैं, कपड़े, कारें, जेवरात, हवाई जहाज का सफर, क्या कुछ नहीं कर सकते। पार्टनर मेरे समझ में कुछ नहीं आया, जरा खोल के समझाओ। नहीं आया तो सुनो, ये कार ले जाकर उस दुकान पर जो इस क्लब की मेंबर है दस्तखत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मेरा दस्तखत भी चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ना तुम्हारा ना हमारा, सिर्फ उसका जिसका ये कार्ड है। कार्ड किसका है? मिस्टर शांति दास। शांति जी, लेकिन उसका दस्तखत कौन करेगा? हम करेंगे। तुम? नहीं 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 पाटा, ये सरासर फ्रॉड है। फ्रॉड दे पुत्र, हमने कितनी मेहनत, कितनी मशक्कत, कितनी मजदूरी की है, ईमानदारी से क्या क्या काम नहीं किया, हम बड़े आदमी बन पाए? नहीं बन पाए। तो फिर समझ लो, भगवान की इच्छा है कि इस कार्ड के जरिए हम फ्रॉड करें और बड़े से बड़े आदमी बन जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक ट्राई करो। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। बन गया तो शांतिदास, बन गया शांतिदास, इससे एक ट्राई मार। लड़कोगे साले? पहले डराता है फिर बोल लड़कोगे? काम ही खतरे का है, थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है। मैं तो कहता हूँ उस्ताद, क्या जरूरत है खतरे में पड़ने की? अरे खतरे में नहीं पड़ूंगा तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? बड़ा आदमी बनने के लिए चोरी जुआ ये सब करना पड़ता है, फिर पकड़े जाना पड़ता है। तब देखो पकड़ने की बात करता है, पकड़ने की बात करता है। अरे अब तो हम दुनिया को पकड़ के हिला देंगे, हिला देंगे, हिला देंगे, हिला देंगे। बड़े बड़े हैं राज, बड़े
मामूली क्या? धन्यवाद धन्यवाद। बड़े बड़े लोगों के यार, बड़े बड़े हैं राज, अपना क्या है हम तो है मामूली। धन्यवाद बड़े बड़े लोगों के यार, बड़े बड़े हैं राज। हम नहीं खाते चंदा और है अपना धंधा, अपने आप ने सब जिसमें अपना है वो फंदा। होटलों के बिल, कपड़ों के बिल, कारों के बिल, सब कुछ क्या है? राणा शांति दास इस रियासत के मालिक जरूर है, लेकिन मैं इस रियासत का दीवान, और मुझे मालूम होना चाहिए कि सब कुछ कहां क्यों खर्चा जा रहा है। क्या तो आप राणा साहब के सेक्रेटरी रणवीर हैं? जी हाँ। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, राणा साहब के डायनेस क्लब का कार्ड खो गया है और कोई आदमी उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। इससे बेहतर ये होता कि आप डायनेस क्लब के मैनेजमेंट जाकर रिपोर्ट करते, क्योंकि मेरे ख्याल में पुलिस इस मामले। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और इन दिनों वो आदमी लाख दो लाख की फांदेबाजी कर सकता है। इसका मतलब है पहले फांदा कर चुका है? जी हाँ, जी हाँ। ये देखिए बिल्स, ये राणा साहब कैसी दस्तखत है और वो जाली दस्तखत। कमाल की जालसाजी है। खैर, यू डोंट वरी, इस मामले की तहकीकात में हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। इट्स ऑल राइट बिल्स। नो, ये मैं अपने पास रखूंगा। ओके सर। खट्टा से बेचता है। दादा, खट्टा तो क्या हो गया, तुम्हें कौन से पैसे दिए? नहीं दादा, नहीं मुझे मारने, नहीं 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 दादा, नहीं 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 मुझे मारने, नहीं 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 नहीं। फिर ताला, साला कब तक ताला लगाकर भागता रहेगा?
अबे आए कक्कड़ का है जगू दादा, वो तो बहुत दिन से चाली में आया ही नहीं है। आ नहीं नहीं आ नहीं तो साला बचकर कहाँ जाएगा। राणा शांति दास। वाह सर, क्या जिंदगी दी है, इतना अच्छा खाना, इतने बड़े होटल में रहना। सर ये हर कार्ड वाले कितनी इज्जत होती है। अरे कार्ड वाले की क्यों, हर बड़े इंसान की इज्जत होती है। देखो सर, मेरे को इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाला तो है ही साले, घोटाला नहीं तो और क्या है। लेकिन मुझे स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी नजर आती है, बहुत बड़ा ड्रामा है इसमें। घोड़े की तरह भाग रहा है। अंधे हो क्या, घर देख कर नहीं चला सकते। चार आने का चश्मा क्या लगा लिया, हमारे बॉस को अंधा बोलती है। What? बको मत, गाड़ी पीछे हटाओ। तो तुम अपनी गाड़ी पीछे हटाओ। You bloody fool! खटारा हटाओ अपना पीछे। क्या? सेक्रेटरी। लड़कियों से हमेशा शाफे से पेश आना चाहिए। खासतौर पर जब लड़की खूबसूरत हो, सब्ज रंग के लिबास में हो और चश्मा लगाया हो। हेलो मिस पैरेट। Yes, Mr. Blind. You mean Surdas? Yes. Thank you very much. His Highness के साथ जिंदगी के मोड़ पर आपकी ये दूसरी मुलाकात है, याद है आपको? His Highness के साथ means you. Yeah, means me. Secretary, हमारा तारफ करवाओ. Yes, His Highness राणा शांति दास. Strange, आप शांति दास और ये शांति देवी. शांति दास, शांति देवी. कितनी शांति है इनमें। शांति जी, आप गाड़ी पीछे लेंगी? नहीं लूंगी। नहीं लेंगी? नहीं लूंगी। बिल्कुल नहीं लूंगी। नहीं नहीं नहीं। तो हम ले लेंगे। जल्दी से ले लो सर, पुलिस आ रही है। पुलिस आ रही है तो क्या हुआ, ले लेंगे। चलो चलो। उसे क्या देख रहे हैं? ये मोहतरमा वही है प्यारे। कौन? जिसने हमारे कपड़ों की मुरली बजाई थी। वो लांड्री वाले कपड़े? जी हाँ। सुनो, हमारा डायनस कार्ड तो कुछ ही दिनों में दम तोड़ देगा, उसके बाद क्या करेंगे? समझ नहीं आता। हमारी समझ में आ गया। क्या? इस लड़की को हम डायनस कार्ड बनाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे दिमाग में एक स्कीम आई है। स्कीम? जरा उल्लू का पट। गुड आइडिया, लाइफ बन गई, लाइफ बन गई। आशीष, आशीष मानता है मेरे दिमाग में। राजकुमार कक्कड़ जिंदाबाद बोल। राजकुमार कक्कड़ जिंदाबाद। शांति है डैडी। हाय डैडी। हाय डैडी। हाय डॉटर्स। सी माय क्रेजी फादर, अभी घोड़े की सारी हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। कौन सा कौन सा घोड़ा जीतेगा, कौन सा घोड़ा हारेगा, किसका चांस है, किसका नहीं। हाँ बच्चों, कैसे हो, कैसी हो शैली? हैं? अच्छा बेटी बताओ, तुम कौन सा घोड़ा खेल रही हो? घोड़ा नहीं डैडी, घोड़ी, ब्यूटी क्वीन। कभी नहीं जीत सकती मैं, अभी अस्तबल से उसकी लीड देकर आ रहा हूँ, कभी नहीं जीत सकती। ये उसका बाप है। डैडी, अब कैसे बातें करते हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, ये मेरा 40 साल पुराना तजुर्बा है। घोड़े पर पैसा, जोखी या घोड़ा देकर नहीं लगाना चाहिए, बल्कि उसकी लीड देकर लगाना। डैडी, आपको जो घोड़ा खेलना है खेलिए, मैं तो ब्यूटी क्वीन खेलूंगी। कम शैली, या लेट्स गो। ओ माय क्रेजी गर्ल। आ रही है। ओके बाय शैली। आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बात है सर, कभी आपकी गाड़ी के साथ टक्कर, कभी आपके साथ टक्कर, लगता है आप लोग टकराने के लिए पैदा हुए हैं। शट अप, यू ऑलवेज टॉक टू मच। सुनिए, आपके डैडी तो मानो पंडित हैं, कोई टिप दीजिए ना। ओ, आपको टिप चाहिए? हाँ, मेरे डैडी ने अभी अगले डिस्क के लिए टिप दिया है। खातून। खर्तून? जी। खर्तून पे 50,000 खेल दो सेक्रेटरी। सिर्फ 50,000? एक लाख खेल लो। एक लाख? हाँ, एक लाख। एक लाख देखिए। थैंक यू वेरी मच। बाय। सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। ये क्या किया, बेचारा मर जाएगा। मरने दे, अगर कपड़े उतार कर यहाँ से नहीं भागा तो मेरा नाम शांति नहीं।
जाए हट माफ करना। अरे रे रे जिंदगी में 10 रुपए तो देखे नहीं, 1 लाख रुपया लगा दो बाप का माल है, मैं भी 10 रुपए लगाऊंगा। लेकिन आपकी दीवी टिप पर मेरा घोड़ा जीत गया, जीत गया। और टिप दीजिए ना। सॉरी, आई हैव नो अदर टी, लेट्स गो। वो तो गई। बाप को पकड़ो, बाप को, बाप को, बाप को। अरे मोहन प्यारे, शाम सुंदर तुम हमेशा गधे पर पैसा लगाता है, घोड़े पे लगाओ, मैं घोड़े पर। क्या घोड़ा, घोड़े पे एकदम बकवास जाके बैठा है, क्या लगा? हेलो रासा, हाउ आर यू? आपकी तारीफ, मेरी तारीफ तो गोली मारी है आप, आपको कौन नहीं जानता, लंदन के रेस कोर्स में आप किंग ऑफ रेसेस हैं। बेखुदा हमारी पूरी जिंदगी रेस के मैदान में गुजरी है, आज तक शायद ही कोई एकाध घोड़ा हारा हो, वरना जीता हमेशा है। मगर आपकी तारीफ, डिजाइनर्स राणा शांति दास, आप सेक्रेटरी। नाइस टू सी यू राय साहब, प्लीज कोई टिप दीजिए ना। हटारी 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 आई शो कॉक्शो सेक्रेटरी, यस 5 लाख खेल लो, 5 लाख। बरखुदार ज्यादा है, ज्यादा है, इतना नहीं खेलते। क्या हुआ रुपया हाथ की मैं ले रहा है साहब, फिर आपके तजुर्बे का फायदा नहीं उठाया तो हम तो ठीक है। सॉरी बरखुरदार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं राय साहब, हार जीत तो होती रहती है, हार के बाद जीत भी होती है, लेकिन आप मुझे एक टिप और दीजिए। मैं टिप नहीं दूंगा। देखिए मुझे आप पे इतना भरोसा है, आपकी दी हुई टिप से ही मैं आपको दूसरी टिप नहीं दूंगा। एक टिप तो आपको देनी पड़ेगी, आपको लॉस कवर करना है ना, आप ऊटी आइए। ऊटी? आप लोग ऊटी जा रहे हैं? मैं भी तो ऊटी जा रहा हूं। नाइस, खा खा के दुम्बा हो रहा है इधर, मैं परेशान हूँ, लड़की को किस तरह फांसना है, दिमाग में कोई आइडिया तो बता। ठंड में मेरा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो गया, अपने आप खोज दे, मुझे खाने दे। ठंडी में तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाता है, गर्मी में मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, हम दोनों को सोच नहीं सकते। अबे कोई आइडिया है तो बता दे। सोचता हूँ, सोचता हूँ। भाड़े के गुंडे ले आएंगे, उनको लड़की के पीछे डाल देंगे, तुम ऊपर से आ जाना, गुंडों को पकड़ के वापस पिटाई करू के पट्टे। कितने पिक्चरों में आ चुका है ये? आ चुका है। लड़की के हाथ में पर्स होता ना, पर्स पर्स लेके मैं भाग जाऊंगा, तुम पीछे से आके मेरे को पकड़ लेना। क्या आके ये कौन सी पिक्चर में नहीं आया? ये भी आ चुका है, आप सोच लेते हैं। हाँ मैं सोच लेता हूँ। हाँ सुन इधर, इसमें जान जाने का खतरा है गधे। अब जान जाए या जहान जाए, लेकिन लड़की को तो किस तरह फांसना है, जान जाएगी तो मेरी। तू बैठ जा। बोले जी बाबूजी, सब सामान लगा दिया? जी हाँ, एक बार चेक कर लो, अभी देखता हूँ। डैडी ये देखिए कैसी लग रही हूँ। अरे वाह वाह, हमारी बेटी को नजर ना लगे हाँ, चश्मे बद दूर। लेकिन आपने ये नहीं बताया आज कौन से मेहमान आ रहे हैं। है एक सरप्राइज। कौन सा सरप्राइज? देखो बेटे, तुम्हें जिंदगी में कोई लड़का पसंद नहीं आया, लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी पसंद को आप कैसे नापसंद करती हैं। टेलीफोन। हेलो, कौन बोल रहे?
अजी बोलने वाले कुमारी गोली, मैं तो आपको एक टिप देना चाहता हूँ। बोलिए। सुनिए, अभी अभी जो आदमी आपके घर में घुस रहा है ना, उससे जरा होशियार रहिएगा। वो घर में घुसते ही आपके ऊपर ऐसी मुस्कुराहटें फेंकेगा, ऐसी मुस्कुराहटें फेंकेगा जैसे आपके लिए ही पैदा हुआ हो। तर मुड़ के देखिए, मुस्कुरा रहा है ना। आइए आइए मिस्टर राणा, आइए, प्लीज वेलकम। हेलो, आइए। हेलो, आके बोलिए। मेरा ख्याल है मकान छोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। जी खास नहीं। जब आप चाय के लिए कहेंगी तो चाय नहीं, ठंडा पानी मांगेगा। या खाने की बात होगी ना, वो कहेगा आज तो मेरा व्रत है, और जब वो घर जाने लगेगा तो जानती हैं आप क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? ये होगा। हेलो हेलो। अरे बेटी जल्दी, मैं परिचय कराऊं तुम्हारे इनसे। डैडी, हमारी मुलाकात तो पहले हो चुकी है। ओ, जान पहचान नहीं हुई। अरे भाई, ये हमारी बेटी शांति। हेलो। बहुत मीठा नाम है। आप मुस्कुराते बहुत हैं। हाँ बेटे, ये बड़े हंसमुख आदमी हैं। माँ भी हंसमुख ही कहती है। लेकिन आपका नाम शांतिदास है ना? जी हाँ, नाम तो शांतिदास है। आपका नाम शांति बताया ना, शांति शांतिदास। What a coincidence! अरे भाई, हम तो बातों भूल ही गए। आप सोडे से लेंगे या पानी से? सॉरी, मैं शराब नहीं पीता। चाय पीएंगे? जी जी नहीं, बस पानी मंगवा दीजिए। सॉरी, बर्फ मत डालिए, गला मेरा जरा खराब है। अरे भाई देखो किसका फोन है। हेलो। क्यों मैम साहब, कैसा चल रहा है नाटक? आपने ठीक ही बताया था, लेकिन कौन है आप? चल रहा है ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। हेलो। सोमवार को मैं व्रत रखता हूँ। अरे बेटे, मैंने इनसे खाने के लिए पूछा तो कहने लगे मेरा व्रत है। अरे भाई, आज के जमाने में धर्म कर्म के लोग कहाँ मिलते हैं। लगता है गुरुकुल कमरे में तालीम पाई है। माय गॉड, आपकी सूझबूझ की तो दाद देनी चाहिए। राय साहब, मैं वाकई 15 साल तक मूंछ की लंगोट पहनकर शीश आसन किया करता था। माशाल्लाह, तभी चेहरे पर नूर है। हाँ, माँ भी कभी कभी प्यार से नूर मोहम्मद कहती हैं। लेकिन आपका नाम तो ये नाम तो शांतिदास ही है। ओ हो, ये टेलीफोन भी मुसीबत है। देखो बेटे, जाओ किसका है। हेलो। सुनिए, अब ये साहब बोर्ड की मीटिंग का बहाना करके उठ खड़े होंगे और उल्टे पांव वापस आके आपसे कहेंगे लिफ्ट प्लीज, गाड़ी पंक्चर हो गई है। दरअसल ये गाड़ी खुद पंक्चर करके आते हैं, देख लीजिए। आगे बोलिए। हाँ, और ख्याल है रास्ते में जरा इससे होशियार रहिएगा, क्योंकि ये इससे पहले भी 15 कुंवारी लड़कियों की इज्जत नहीं लूट सका। अरे बेटे, ये जा रहे हैं। जी, जाने को दिल तो नहीं करता था, लेकिन क्या करूं, आज बोर्ड की बहुत जरूरी मीटिंग है। लेकिन देखिए, आते रहिएगा। हाँ हाँ हाँ, जरूर। अब तो घर देख लिया है, मैं जरूर आऊंगा। नमस्ते। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। नमस्ते जी। हे भगवान, कर हम कर को का कल्याण। पर बेटा मोहन, अगर ये पहिया कहीं गलत जगह खुल गया तो सारी स्कीम का भट्टा बैठ जाएगा। ऊपर वाले कक्कड़ को बचा ले, ऊपर वाले कक्कड़ को बचा ले। कैसी रही हमारी पसंद? पसंद? गहरे पानी की मछली है डैडी, बहुत चालाक लगता है। अरे बेटे, वो आप क्यों, राय साहब मेरी तारीफ हो रही थी ना। नहीं, वो तो आप राय साहब, आई एम सॉरी, वो गाड़ी पंक्चर हो गई। लिफ्ट चाहिए? इफ यू डोंट माइंड प्लीज। बेटे जाओ, इनको होटल छोड़ जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं आपको बहुत तकलीफ। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत चालाक समझता है अपने आप, ऐसा मजा चखाऊंगी अपना नाम तक भूल जाएगा। होटल का रास्ता तो ये है, आप इधर कहाँ जा रही हैं? ये शॉर्टकट है होटल के लिए। शॉर्टकट और स्ट्रेट कट ऊपर के लिए।
आप सामने देखिए प्लीज। चक्कर अगर इसे पता चल जाए तो गाड़ी रोक देगी, वरना ये घाटी की तरफ जा रही है, जब पहुंचाएगी ये जंगल में ले जाके मारेगी। गाड़ी आहिस्ते चलाने का क्या लेंगे? क्यों, दिल कमजोर है आपका? जी नहीं, घाट कमजोर है, आहिस्ते चलाएंगे तो ठंडी हवा का मजा आएगा। गाड़ी जितनी तेज चलेगी ठंडी हवा का मजा उतना ही आएगा। आप आज तक चलाइए ना। आपने कभी स्वर्ग देखा है? आपने कभी दिन में तारे देखे? देख रहे हैं। आ रहे हैं नहीं, अब आएंगे। शुरू आए, देखिए कहाँ कहाँ ले जाती हूँ। मेरे बोर्ड की मीटिंग है। गाड़ी चला लेती हैं आप? मैं तो दो व्हील पर भी गाड़ी चला सकती हूँ। चला लेती हूँ। भगवान के लिए स्टंट मत कीजिए, मेरी जान जाएगी। मजाक मत कीजिए, गाड़ी सीधी कर लीजिए, कर लीजिए। माफ कर दीजिए, मैं अपने पागलपन में आपकी जान ले बैठी थी। पागलपन किसका है ये तो भगवान ही जानता है। इसका मतलब आप मुझे माफ नहीं करेंगे? ऐसा मत कहिए शांति जी, दोष मेरा है
ना मैं आपसे लिफ्ट मांगता ना ये हादसा होता। नहीं नहीं, सारा दोष तो मेरा है, किसी ने मुझे बहका दिया था और मैं आपको गलत समझ बैठी, आपको कुछ हो जाता तो। देखिए जो होना था वो तो हो गया है। तुम्हारे पीछे एक खूबसूरत लड़की है। मेरे आगे भी एक बहुत खूबसूरत लड़की है। हाँ किधर? जिसके पीछे मैं हूँ। दिल बहुत खूबसूरत है। एक इधर भी है। कितनी गलत फहमी थी तुम्हारे बारे में। अब क्या करूँ, सूरत ही ऐसी है, गलत फहमी हो ही जाती है। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका फोन। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, मेरा फोन। हेलो, कौन? क्यों मैम साहब, आखिर फंस गई ना आप? कुछ भी हो, आई लव हिम, आई लव हिम, आई लव हिम, दैट इज व्हाट वी वांटेड। किसका फोन था? था किसी का। यू लव हिम वेरी मच? आई एम सॉरी, मुझे आपके बारे में गलत फहमी हो गई थी। शक्ल से नहीं अकल से। नहीं हम अपनी जान देंगे, हमें कैसे यकीन आए वफा में आप जा देंगे, चलो हम इम्तिहान देंगे। कसम ले लो, कसम कोई अगर टूटी तो क्या देंगे, बोलो चुप क्यों हो गए? अजी हम अपनी जान देंगे। अपने भी प्यार
इंतहा देंगे। नहीं हम अपनी जान देंगे। हमें कैसे यकीन आए वफा में आप जा देंगे। बेटे जितने भी जगह तुम देख रहे हो ना, ये सारी स्टेट हमारी है। ये सब अजीब इत्तेफाक है साहब, टीले तक आपकी स्टेट है। हाँ। उसके उसके एग्जैक्टली बाद मेरी स्टेट शुरू हो जाती है। रियली? या व्हाट अ कोइंसिडेंस। बेटे अगर ये दोनों स्टेट एक हो जाए तो एक छोटी सी रियासत कायम हो सकती है। वैसे तो अगर सारी दुनिया एक हो जाए तो राम राज्य कायम हो सकता है राय साहब, लेकिन ऐसा तक नहीं। अगर दो दिल मिल जाए तो सब कुछ हो सकता है बेटे। हाँ ये तो सही है, आज मेरे पास सब कुछ है, शौहरत दौलत इज्जत, अगर सिर्फ एक बेटे की कमी है तो लगता है वो कमी आज पूरी हो जाएगी। जी क्या कह रहे हैं साहब, मैं आपका बेटा राय साहब। बेटे आज के बाद इस सारी जायदाद के मालिक तुम हो। बुढ़े बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं राय साहब, ये नहीं हो सकता। देखिए मेरा खुद का इतना लंबा चौड़ा कारोबार है, उसको संभालने के लिए मुझे खुद इतनी मुसीबत उठानी पड़ रही है। सब मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटे, विश्वास है, और वादा करो शादी के बाद तुम हमारे खानदान की इज्जत को संभाल के रखोगे। इसलिए तो सारा ड्रामा कर रहा हूँ। मेरी इकलौती बेटी को फूलों की तरह रखोगे, उसे जिंदगी में कोई दुख नहीं दोगे। आपने मुझे उल्लू का पट्टा समझा है राय साहब, आपने मुझे जज्बाती बनाकर अपने प्यार में जकड़ लिया है। अब मैं आपको ना कैसे कह सकता हूँ। थैंक यू बेटे, थैंक यू। इस खबर को सुनकर शांति कितनी खुश होगी। बहुत खुश होगी, मैं जानता हूँ वो तो बहुत खुश होगी। ये खबर ही मैं खुश, लेकिन इतना बड़ा कारोबार आप। राजकुमार कक्कर, पागल हो गए हो तुम? कौन हो तुम? अरे दौलत के नशे ने सचमुच तुझे पागल कर दिया है, अपने आप को भी नहीं पहचान रहे। ये ख्वाब कितने दिन चलेगा? ये ख्वाब नहीं, असलियत है। जिस दिन इस असलियत का पता चलेगा तुम सड़क पर फेंक दिए जाओगे, शांति तुम पर धिक्कार करेगी, उसका पाप तुम्हें जेल पहुंचा देगा। अब इस ख्वाब को कोई नहीं मिटा सकता, हट जाओ मेरे रास्ते से। अब किसी ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो खत्म कर दूंगा उसे, मिटा दूंगा मैं। किसे मिटा दोगे? अरे अपने आप को मिटा रहे हो। जिन लोगों ने तुम पर विश्वास किया उन्हीं के साथ विश्वासघात करोगे, जिस लड़की ने तुम्हें अपना देवता माना उसी को धोखा दोगे तुम, इतने बड़े पाप का बोझ लेकर जी सकोगे तुम? बोलो जवाब दो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। इंस्पेक्टर साहब, डाइनर्स क्लब के कार्ड को खोए हुए पूरा महीना भर हो गया। पहले बिल सिर्फ बंबई से आते थे, अब उटी से आने भी शुरू हो गए हैं। देखिए। आई सी, तभी मैं सोच रहा था ये फ्रॉड अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया। आप फिक्र मत कीजिए, हम उटी पुलिस को फौरन खबर भेज देते हैं। थैंक यू। ये फांदेबाज पुलिस के हाथ से बचकर जाएगा कहां? हेलो, गिव मी सीआईडी ऑफिस प्लीज। यस थैंक यू। ओम कर्षक सब देवी सुतंत्रे समावेता मूले तसे श्राम वेदा यरुग वेदा यजर वेदा सर्वेदा यन्नामो नमः।
सर्व मंगल मंगली श्री सर्वासाध के हरि ओम महासती नंदन। राय साहब ये शादी रोक दीजिए। तू क्या बात है? जिस आदमी के साथ आपकी बेटी की शादी हो रही है वो फ्रॉड है। राणा शांतिदास फ्रॉड? ये राणा शांतिदास नहीं, राजकुमार कक्कड़ है। इसने राणा साहब के डाइनर क्लब कार्ड्स का गलत इस्तेमाल किया और हजारों रुपए की हेराफेरी की है। बेटे ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? डैडी इन्हें जरूर कोई गलत फहमी है। तुम क्यों नहीं बोलते बेटे? ये हमारी इज्जत का सवाल है, बोलो। तुम इन्हें कह क्यों नहीं देते ये सब गलत है, झूठ है? बोलते क्यों नहीं? तुम चुप क्यों हो? कह क्यों नहीं देते? इसका मतलब है तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक उड़ा है। हाँ शांति, इससे अच्छा कि मैं राणा नहीं हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। मैं गरीब आदमी हूं। अगर तुम गरीब होते मैं तुम्हें अपना लेती, तुम्हारे प्यार में मैं सारी जिंदगी बिता देती, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, धोखेबाज मक्कार। क्या हुआ, क्या हुआ? बड़ा भयानक ख्वाब देखा है मैंने। लगता है मैं शांति से सचमुच प्यार करने लगा। और उसको? वो भी मुझे प्यार करती है। फिर तो पांचों घी में जीत ही जीत है तुम्हारी। नहीं, जिसे तुम जीत समझ रहे हो वो मेरी सबसे बड़ी हार है। ये दो दिन कहां गायब हो गए थे? तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं अपने आप से लड़ रहा था शांति, हिम्मत पैदा कर रहा था तुम्हें अपना असली रूप बताने की। ओहो, तुम्हारे सारे रूप मेरे सामने हैं। सिर्फ एक रूप नहीं, काश कि तुमने मुझसे प्यार ना किया होता, काश मेरी आत्मा ने मुझे धिक्कारा ना होता, काश मैं एक्सीडेंट में मर गया होता। राज ऐसी बातें मत करो जिससे मैं खुद अपनी नजरों से गिर जाऊं। लफ्जों के हेर फेर से सच्चाई में फर्क नहीं पड़ता शांति, जब तुम्हें मेरी असलियत पता चलेगी नफरत हो जाएगी तुम्हें मुझसे। नहीं राज, मैं अपने आप से नफरत कर सकती हूँ, तुमसे नहीं। मैंने तुम लोगों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैं कोई लखपति करोड़पति आदमी नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों के ख्वाब देखने वाला एक मामूली इंसान हूं। लेकिन वो सब तुम कह लेने दो शांति, अगर आज नहीं कह सका तो शायद फिर कभी ना कह सकूं। एक दिन एक अमीर आदमी का डाइनर्स क्लब का कार्ड मेरे हाथ आ गया, मैंने उसके दस्तखत की नकल की, दुनिया को धोखा दिया, तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे डैडी को धोखा दिया, अपने आप को धोखा दिया, लेकिन ये पाप मैं और नहीं कर सकता। हो सके तो मुझे माफ कर देना, अब मैं अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ा है तो मैं गोली मार दूंगी। तुम मेरी जिंदगी से इस तरह खेलकर नहीं भाग सकते। मैं किसी से क्या भागूंगा, मैं तो अपने आप से भाग रहा हूं। भाग कर तो देखो। मुझे गोली मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कानून तुम्हें फांसी दे देगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, मेरे अपने लिए 5 गोलियां और भी है। शांति हाँ, भागने की कोशिश करके तो देखो। मुझ जैसे गिरे हुए इंसान से तुम अब भी प्यार करती हो? राज मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं तुम्हारे दुख समझती हूँ। मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं, तुम्हारे गरीबी से, तुम्हारे दुखों से भी प्यार करती हूँ। शांति शांति, तुमने रुपयों के लालच में हुकूमत राय के घर की मर्यादा से खिलवाड़ किया है, दुनिया की नजरों में धूल चौकी है, मेरी बेटी को वर्ग लाया है। इसके लिए मैं तुम्हें जेल भिजवा के ही दम लूंगा। राय साहब आपने जो भी इल्जाम मुझ पर लगाए हैं सब सच है,
और मैं बड़ी से बड़ी सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन यह भी सच है कि मैंने शांति को धोखे में नहीं रखा। हाँ डैडी, इन्होंने अपने बारे में मुझे सब कुछ बता दिया था। और इसके बावजूद तुमने इस दो टके के आदमी से शादी कर ली? मैंने एक सच्चे आदमी से शादी की डैडी। हमारे पास तो रुपया बहुत है डैडी, आपको मेरी खुशी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। लेकिन किस कीमत पर? इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर? तुमने शादी नहीं की, अपने आप को नर की आग में धकेल दिया। नहीं डैडी, जिस बंधन में औरत को खुशी मिले, उसके मन को शांति मिले, वही उसके लिए स्वर्ग है। और मैंने ये रिश्ता अपने दिल और आत्मा की आवाज पर किया है। दिल और आत्मा की आवाज? जब तुम्हारे बच्चे नंगे पांव म्युनिसिपैलिटी के स्कूल में पढ़ने जाएंगे, घर में चूल्हा जलाने के लिए राशन की दुकान के सामने खड़ा होना होगा, एक लोटा पानी के लिए घंटों नल के सामने लाइन लगानी पड़ेगी, उस वक्त तुम्हारी आत्मा और दिल की आवाजें आनी बंद हो जाएंगी। दफा उठो यहां से। डैडी, खबरदार जो आइंदा इस घर या मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। शांति, तुम नहीं समझोगी, ये रुपए वाले सिर्फ रुपए की जबान समझते हैं। ठहरो राज, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, जिस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं वह मैं भी नहीं रह सकती। डैडी, मुझे माफ कर दीजिएगा। चलो राज। ये घर है हमारा। हे ईश्वर, मुझे शक्ति दो, इस राह पे मेरे कदम कभी न डगमगाए, कभी ना। क्या मांगा भगवान से? तुम्हारा सर। मांगने के लिए रह क्या गया है, सब कुछ तो मिल गया है मुझे। झूठी तसल्ली देकर मेरा मन रख रही हो? तुम इसे घर कहती हो? ये फटीचर फर्नीचर, ये टूटा फूटा सामान, यही मेरे लिए स्वर्ग है। आइंदा तुमने ऐसी बात की ना, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी। शांति, गुस्सा आ गया? देखो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आज के बाद तुम जिस हाल में रखोगे मैं खुश रहूंगी, जो भी कुछ कमा के लाओगे हम गुजारा कर लेंगे। और करो अन्न की बेइज्जती। ए, उधर क्या देख रहा है? देख रहा हूँ बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ रहे हैं। देख जग्गू, मैं तुझे फिर जेल भेजवा दूंगा। बेटा, अब तो मैं तुम्हें ऊपर भेजकर ही जेल जाऊंगा। मेरी बनियान फट जाएगी। बनियान फट जाएगी? हफ्ते भर का राशन खराब कर दिया, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। तोड़ूंगा तोड़ूंगा करते हो, तोड़ते क्यों नहीं? तोड़ दूं? हाँ। अब तो मेरी बीवी कह रही है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे ओ जोरू का गुलाम, तू क्या मारेगा? मैं आ रही हूं। बोल जोरू का गुलाम। नुकसान के ऊपर नुकसान किए जा रहे हैं, तुम कुछ करते क्यों नहीं? तू भी मार रही है, वो भी मार रहा है। आगे बढ़ो ना। अरे मेरा बच्चा, Thank you.
नहीं, पुलिस 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 आ गई। ए, तुझे वहीं का कार्ड? हाँ जी। साल पुलिस चौकी। पुलिस स्टेशन क्यों? झगड़ा वो जग्गू कर रहा था। वो हमको कुछ मालूम नहीं, तुम कुछ संगने का है, कुछ बोलने का है, बड़े साहब के पास संगो। चल चल पुलिस स्टेशन। अच्छा, तुम्हारा मतलब है सारी धांधली जग्गू ने की है? बिल्कुल हजूर, बहुत मारा मुझे, मेरे आटे का मटका तोड़ दिया, पूरा मोहल्ला गवाह है। ठीक है ठीक है, उस आदमी भी हम पूरा एक्शन लेंगे। तुम इस रिपोर्ट पे दस्तखत कर दो। लिखना आता है? आता है जी। क्या करो? एक जगह दो जगह। ठीक है, जाओ साहब। जा सकते हो। हवलदार। यस सर। इस आदमी भी कड़ी नजर रखो। बना है सर। देसाई प्लीज कम हियर। यस सर। ये बिल और ये दस्तखत फॉरेन राइटिंग एक्सपर्ट पर भेज दो, ताकि ये पता चल सके कि ये दोनों दस्तखत एक दूसरे से मिलते हैं या नहीं। ओके ओके गुड। ये है मेरे बॉस राणा शांतिदास। शांतिदास? राणा साहब बैठिए, तशरीफ रखिए जी। फरमाइए। मेरे केस का क्या हुआ? वो जल्दी हल हो जाएगा। राणा के पागल बाप की वसीयत के मुताबिक अगर राणा की शादी 15 रोज के अंदर अंदर हो गई तो ये तमाम लाखों करोड़ों की जायदाद राणा की बीवी के नाम हो जाएगी, और अगर नहीं हुई तो ये सारी रियासत पब्लिक ट्रस्ट में दे दी जाएगी, और उसके बाद ना वो राणा रहेगा, ना हम दीवान, और ना ही तुम हमारे खास आदमी। आप जैसा वफादार वजीर हर राजा के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। शादी के बाद राणा स्वर्ग में होगा और उसकी विधवा बीवी के साथ हनीमून हम मना रहे होंगे। राणा साहब आ गए। अब देखता हूं यकमबख्त शादी कैसे नहीं करेगा। कहां गए थे? क्यों गए थे? मेरी इजाजत के बगैर घर से बाहर जाने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हारी ये हिम्मत, आंखें दिखाते हो? बोलो राणा शांतिदास, मेरे तुम पर और तुम्हारे खानदान पर कितने एहसान हैं। बेहतर यही होगा कि जो मैं कहता रहूं वही करते रहो। तुम्हारी शादी इस लड़की से तय हो चुकी है, फुर्सत हो तो देख लेना। बस मजबूर बना दिया है तूने मुझे। राणा साहब, बनी आपकी शादी इनसे कराना चाहता है।
और क्या है? फिश मसाला, फिश करी, फिश पुलाव, फिश बिरयानी। एक गिलास पानी ले आओ। सिर्फ एक गिलास पानी? दो ले आओ। दो? अरे मामा, टुकड़ा मार के दो गिलास पानी पिला दे साहब को। कहां से चले आते हैं करके कहीं के। ए जाने मन, ये ले अपना पैसा। ए लो दो गिलास पानी। ए मामा, कीमा निकाल, कीमा निकाल। ए थॉमस, तुम हमको हाथ लगाएगा ना, तुम्हारा ब्लडी हाथ तोड़ के रख देगा, समझा? अरे हम तो तुम्हारे गाल में भी हाथ लगाएगा डार्लिंग, फिर बाद में कमर में हाथ डालेगा और फिर सीने से लगाएगा। अरे आओ मेरी जान, अरे आओ, अरे आओ, अरे आओ मेरी जान। क्यों क्यों तंग कर दो बेचारी? कौन हो तुम? क्यों तंग कर दो बेचारी? अरे हम मुंह से बात करते हो, तुम मुक्के से बात कर रहे हो। कबाब में आजी, अबे उठ। उत्तम है। उठ। देख मुंह से बात कर, हाथ से नहीं। अरे सिर्फ दो गिलास पानी पिया गिर हमने। अरे मत मारो गरीब को, मेरे को मत मारो। उल्टे हाथ का देख लिया ना, अब सीधे हाथ का दूंगा तो सीधा ऊपर जाएगा। सीधा ऊपर तो हम पहुंचाएगा मैन। अरे कूद दिया। आठ 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 आठ। मैंने बोला था ना सीधे हाथ का दूंगा तो फ्लैट हो जाएगा। आठ हो गया ना फ्लैट। मान गया उस्ताद, मान गए, मान गए, कमाल कर दिया। ये क्या क्या तुमने मैन, हमारे बॉक्सर को एक ही ब्लो में नॉकआउट कर दिया। मैंने क्या क्या, वो लड़की को छेड़ रहा था, मैं क्या करता? ओ माय गॉड, अब हमारा क्या होगा? कल हमारा चैलेंज फाइट, इस बॉक्सर पे 20,000 रुपए का बेट लगा हुआ है। आइडिया, आओ मेरे साथ। ए भाई मारोगे तो नहीं? ओ नो नो, इस बॉक्सर की जगह तुम्हें हमारे लिए लड़ना पड़ेगा। नहीं भाई, अपन नहीं लड़ेगा। अपना सीधा हाथ पड़ गया ना, वो सीधा ऊपर जाएगा, अपन अंदर जाएगा। नो नो, तुम्हें सिर्फ मार खाने का है, मार खाने का। मार खाने का? तो ये थोड़ा मुफ्त का है, मार खाने का। 500 रुपए दे। 500 रुपया घर में राशि। 500 बॉक्स। बॉक्स में देगा? हाँ मिलेगा। ठीक है, मैं फाइट करेगा। डन डन। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। कम ऑन भाभी, ओ भाभी। अरे क्या मून भैया, कैसे गीली लकड़ियां लाए हो? फूक फूक के मेरी हालत खराब। अरे इन गीली लकड़ियों को मारो गोली, पहले चल के उसको बचाओ। किसको बचाओ? अपने कक्कड़ साहब को, वो अब भी अपने आप को चैंपियन समझता है, आज छोपड़ा तोड़ा के वापस आएगा। अरे हुआ क्या है? वो चैंपियन के साथ में बॉक्सिंग लड़ने जा रहा है। बॉक्सिंग करने जा रहा है? उनको बॉक्सिंग आता है? बॉक्सिंग के शौकीनों, आज आपके सामने बॉक्सर राजेंद्र गौड़, जो कि लगातार 5 साल से चैंपियन है, अपना टाइटल डिफेंड कर रहे हैं, और बॉक्सर राजकुमार कक्कर, जो आज कई सालों के बाद पहली बार रिंग में चैलेंज फाइट दे रहे हैं। आई होप यू विल एंजॉय द फाइट। सेकेंड्स आउट ऑफ द रिंग, फर्स्ट राउंड। Thank you.
सेकेंड राउंड बिगिन। सीधे हाथ का नहीं समझा। फाइनल राउंड कुंडली पे लाइने मार रहा है। घर में थोड़ा राशन आ जाता तो गरीब का हफ्ता निकल जाता।
बहुत दर्द हो रही है। बड़ी दर्द हो रही है। किसने बुलाया था वहां आने के लिए? नहीं आती तो थोड़ा मार खा लेता, थोड़ा पैसा तो आ जाता घर में। पैसा तो आ जाता, पैसे सब कुछ है, कोई इज्जत नहीं हमारी। पैसे बिना आजकल कोई इज्जत नहीं है। बढ़िया इज्जत वाली। अरे कहाँ जा रही है तू? ऊपर वाले मार भी खाई, माल भी गया, ये भी जा रही है शांति। आजा आजा आजा। फूल सहरा में तो खिलता नहीं, मुफ्त में तो जहर भी मिलता नहीं। दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे? दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे? जैसे भी जीना पड़ा वैसे हम जिएंगे, जीना सकेंगे तो भी हम नहीं। ये प्यार की मौत भी जिंदगी से कम नहीं। दुनिया में पैसे बिना कैसे हम जिएंगे? जैसे भी जीना पड़ा वैसे हम जिएंगे, जीना सकेंगे तो भी हम नहीं। ये प्यार की मौत भी जिंदगी से कम नहीं। सच है मैं ही नादान था, मेरे दिल में ये अरमान था, सोने चांदी में तुझे तोल दूं, अब लेकिन दिल की बात बोल दूं। ऐसे हम करेंगे प्यार, ऐसे हम जिएंगे। हम जिएंगे, जी ना सकेंगे तो भी गम नहीं। ये प्यार की मौत भी जिंदगी से कम नहीं। ये प्यार की मौत भी जिंदगी से कम नहीं। ये प्यार की मौत भी जिंदगी। सर, yes? दस्तखत एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, इसमें शक नहीं, राणा साहब के साथ सारी जालसाजी कक्कर ने ही की है। ओह, आई सी। देसाई। यस सर। कक्कर के नाम गिरफ्तारी का वारंट फौरन जारी करो। ओके सर। रोजी रोटी का मसला ही हल नहीं हुआ था, ये ऊपर से पुलिस का चक्कर, मैं कहां जाऊं? मेरी गरीबी के साथ भूख की प्यासी रहकर तो शांति जी सकती है, लेकिन मैं मुजरिम बन जाऊं
इस बदनामी के धब्बे को लेकर वो जी ना सकेगी। इस मुसीबत, इस बदनामी से बचने का कोई रास्ता दिखाओ माँ। माँ ने तुम्हारी फरियाद सुन ली है। कौन? हम हैं राणा शांतिदास। आप? क्यों, पसीना क्यों आ रहा है? जिस वक्त हमारा डायनर्स क्लब का कार्ड इस्तेमाल करते थे उस वक्त पसीना नहीं आता था? साहब, मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। आप जो चाहे मुझे सजा दे लीजिए, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। पुलिस से हमने केस वापस ले लिया है। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ? मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें हमारी जगह महल में जाकर चंद दिन रहना होगा, उसके बाद तुम्हें कभी पैसों की तकलीफ नहीं होगी। जी मैं आपके किसी काम आ सकूं, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या हो सकेगी? मुझे करना क्या होगा? कुछ नहीं, बल्कि जो कुछ हो रहा है उसे रोकना होगा। काम रोक दूं? जी हां, रोक दूंगा। आओ कपड़े बदल लें। शांति, मुझे माफ कर देना, चंद दिन में तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपना वादा पूरा करोगे। क्यों जी, लेकिन आप कहां जाएंगे? हमारी दौड़ एक अंधा कुआं है, प्रार्थना करो हम कामयाब हों। सुनो, अगर महल में कोई भी तकलीफ आए तो वहां सिर्फ एक आदमी पर भरोसा कर सकते हो, और वो है रणवीर सिंह। जी। God bless you. साला ककड़। कौन हो भाई? कक्कड़ के बच्चे। भाई नहीं, पागल। मैं कक्कड़ नहीं हूं। जब तक हम हाथ नीचे लाने के लिए नहीं कहें, इसी तरह उठाए रखो। राणा, मेहमान 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। पहले अपना पता बताओ, फिर इनका एड्रेस बताओ, उसके बाद हम बताएंगे कि हम कहां लापता हो गए थे। ओहो, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है यार। यार यार मत करो, हमारे तेवर देख के बात करो। हम रईस सादे हैं, बिगड़े दिल शहजादे हैं। अच्छा बाबा, अब अंदर चलिए। आज हमारा मन कुछ मतला रहा है, इसलिए हम पहले जरा आहिस्ता चलेंगे, उसके बाद तेज चलेंगे। समझे? रेडी? चलिए। हमें मालूम है किधर जाना है। काम शुरू। पहले कौन कौन है और फिर क्या क्या है? कौन कौन है, क्या क्या है, ये सब बाद में होगा राणा साहब। मुहूर्त निकला जा रहा है। क्या निकला जा रहा है? मुहूर्त। जल्दी से ड्रेस चेंज कर लीजिए। अभी तो चेंज करके आ रहा हूँ यार। हाँ, हम ड्रेस चेंज करेंगे। वाह रे अल्लाह तेरी शान, ऐसे पागल को कारू का खजाना दे दिया। बनी जैसा वफादार दोस्त ना होता
तो कोई भी इन्हें लूट के खा जाता। बजा फरमाया आपने। लेडीज एंड जेंटलमैन, मराना साहब की तरफ से आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ। दरअसल राणा साहब एक बहुत जरूरी काम के सिलसिले में फंस गए थे। फंस गए थे, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि वो शादी के मुहूर्त से पहले ही यहाँ पहुँच गए। शादी? किसकी शादी? आपकी शादी राणा साहब। राणा साहब, राणा साहब, क्या हुआ? हमने कहा था ना आज हमारा मन मतला रहा है। राणा साहब, ये मजाक का वक्त नहीं, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, सीरियस हो जाइए। सीरियस? हाँ हम सीरियस है, कन्या को बुलाओ। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, कन्या को बुलाइए, कन्या को बुलाओ। आहा, ओहो, ए, दुल्हन खूबसूरत है, कितना यानी कि बाय गॉड कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ, लेकिन ठहरो। दुल्हन खूबसूरत है, दुल्हन खूबसूरत है, कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, अभी ग्यारह नहीं बजे है, दुल्हन खूबसूरत है, कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, बजे है ग्यारह नहीं बजे है। बुजुर्ग ने कहा था बेटा जीना चाहे मरना, ग्यारह बजने से पहले कोई अच्छा काम न करना। एक बुजुर्ग ने कहा था बेटा जीना चाहे मरना, ग्यारह बजने से पहले कोई अच्छा काम न करना। अंगूठी पहनाओ पहनाओ जी पहनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, अभी ग्यारह नहीं बजे है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक एक ग्यारह, ग्यारह के नंबर में होते हैं देखो तो इक्के, एक हूँ मैं एक है तू, आ मिल जाए दोनों दिल देके। मंडप में ले जाओ जी ले जाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, अभी ग्यारह नहीं बजे है। से पहले चले जो मंजिल से वो निकले आगे, वक्त के बाद जो निकले समझो सुबह देर से जागे। घड़ी से घड़ी मिलाओ मिलाओ जी मिलाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, अभी ग्यारह नहीं बजे है। दुल्हन खूबसूरत है, कितना हसी मुहूर्त है, सेहरे की जरूरत है, दूल्हा मुझे बनाओ यारो, आओ लेकिन ठहरो। अभी ग्यारह नहीं बजे है, अभी ग्यारह नहीं बजे है।
उठो। यार सुनो तो, मैं क्यों तंग कर रहे हो? उठो। मारते क्यों भाई, क्या हुआ, क्या तकलीफ आप? आराम खोर, रात को शराब पीकर शादी का मजाक बना दिया, सारा शहर मुझ पर थू थू कर रहा है। थूक मुंह पे तो कहीं नजर नहीं आ रही, और फिर शादी हमारी थी, हमने नहीं की, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? सबान कैंची की तरह चलाते हो। अभी तक तो जबान चलते देखी है, अब हाथ कैसे चलता है देख लो। इतनी जल्दी हमें जगा दिया तुमने, तुम्हें मालूम था अभी 11 नहीं बजे हैं, 11 नहीं बजे हैं। सुनो, इस महल में आज तक जो कुछ होता आ रहा है वो नहीं होगा, और जो नहीं हुआ वही होगा, क्या समझे? अभी 11 नहीं बजे हैं। बनी साहब, क्या बनी साहब, इधर आओ, आइंदा 11 बजे से पहले आप हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, दरवाजा बंद करो और दफा हो जाओ। कुछ समझ में नहीं आता, एक ही रात में ये चूहा शेर कैसे बन गया? कल रात पार्टी में शराब पी, शादी तोड़ी, मुझ पर हाथ भी उठाया, लगता है किसी ने उस पर जरूर जादू किया है। बनी डार्लिंग, मुझे तो डर लग रहा है तुम्हारे इस खेल में कहीं मैं न मर जाऊं। टोनी डार्लिंग, हमारे होते हुए तुम पर कोई आंच आए ये कैसे हो सकता है? दुश्मन को उसी के हथियार से मारना चाहिए। वो कैसे? राणा आजकल शराब पीने लगा है ना? हाँ। आज रात को उसकी शराब में ये दवा मिला दो, उसके बाद वो खुद ही असलियत बख देगा कि उसके दिमाग में क्या है और उसमें इतनी हिम्मत कैसे हुई। ओ डार्लिंग, तुमने अच्छा किया जो पीना शुरू कर दिया। जीने के लिए दो ही तो नशे हैं, एक शराब का और एक जवानी का। कमाल की चीज है डार्लिंग, लेकिन कल कुछ ज्यादा नहीं हो गई थी? लगता है हमने सबके 11 बजा दिए थे, लेकिन तुम फिर भी हमसे प्यार करती हो। हाउ स्वीट ऑफ यू। पीना हराम है न पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। होश में आना हराम है, लेकिन आज आपको हमारे साथ पीना पड़ेगा। डार्लिंग, तुम जहर भी पिलाओगे तो वो भी पिलेंगे, और आज हम अपनी डार्लिंग का जाम अपने हाथ से बनाएंगे। श्योर। छोटा चाहिए या बड़ा? जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं, पटियाला। पहले हम गले मिलेंगे अपनी डार्लिंग से। यू आर सो स्वीट। पहले तुम डार्लिंग। पहले तुम। ओके, बॉटम्स अप। बॉटम्स अप। अप। बॉटम्स अप। डार्लिंग, मुझे तुम्हारी जवानी पर बहुत तरस आ रहा है, और मुझे तुम्हारी जवानी पर बहुत प्यार आ रहा है। तो प्यार करो ना, जी भर के प्यार करो। डार्लिंग, इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि तू। नहीं डार्लिंग, शायद ये रात तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी ना आए। ऐसा मत बोलो डार्लिंग, अच्छी बातें करो ना, ऐसी
तो हजारों रातें आएंगी हमारी जिंदगी। नहीं डार्लिंग, तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं समझते। क्यों? एक बात बोलो। बोलो। तुम मुझसे शादी कभी नहीं करना। क्यों नहीं? मैं करूंगा करूंगा। नहीं डार्लिंग, वो बनी है ना मेरी और तुम्हारी शादी करा के, उसी रात तुम्हें मार डालेगा और उसके बाद मैं और बनी तुम्हारी रुपयों से जिंदगी बरैश करेंगे और तुम स्वर्ग में ऊपर ऊपर ऐश। साले ने अच्छा तगड़ा प्रोग्राम बना रखा है मेरे लिए। आप सो जाइए मैम साहब। अरे जेम्स बॉन्ड की औलाद, शराब पिला के हमारी स्टेटमेंट लेना चाहता था। हम भी कम नहीं, उल्टा टोनी की ले ली। गुड मॉर्निंग राणा साहब। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तबीयत कैसी है हुजूर की? दरअसल मैं कल की गुस्ताखी की माफी मांगने आया। आप तो महापुरुष हैं, इतने जूते खाने के बाद भी आप हमसे माफी मांग रहे हैं। वेरी गुड, बैठिए, तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। बैठिए। थैंक यू वेरी मच। टोनी कैसी हैं? कल रात आपके साथ क्या गुजारी, क्या अभी तक सो रही है? माय गॉड, ठीक है हम जगाए देते हैं। वो बनी है ना मेरी और तुम्हारी शादी करा के, उधर नहीं बनी साहब, यहां हमारे पास और उसके बाद। अब तो नहीं हमारी है, हम इसे कलेजे से लगा कर रखेंगे, देखिए कैसे किस करते हैं। झूठ है, न जाने तुमने टोनी को शराब पिलवा कर उससे क्या क्या बकवा लिया है। मुझ जैसा नमक हलाल मुलाजिम अपने मालिक के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। हम जानते हैं तुम बहुत ही वफादार हो, बहुत ही नमक हलाल हो, लेकिन नमक इतना खा चुके हो वो तुम्हारे शरीर में जाकर जहर बन गया है। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, पुलिस तुम्हें हथकड़े लगा कर ले जाए, खुद ही यहां से दफा हो जाओ। तुम मुझे क्या हथकड़ियां लगवाओगे राणा? अलबत्ता मैं चाहूं तो तुम्हें एक मिनट में फांसी के तख्ते पर लटकवा सकता हूं। क्या मतलब? अपनी बहन के कत्ल के बारे में भूल गए? लगता है तुम्हारी याददाश्त में जंग लग गया है। रोज सुबह सवेरे से देख लिया करो और कान खोल कर सुन लो। अगर इस बार तुमने शादी में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की तो अपने आप को सीधा फांसी के तख्ते पर पाओगे। साला ये नया पपलू क्या डाल गया? हुजूर, मेरा नाम रणवीर सिंह है। मुझे जानते हो तुम? जी हां। ये क्या है? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए मालिक बाहर गए हैं। कैसी गुत्थी? सुनिए, राणा साहब एक नहायत ही नेक दिल और खुददार इंसान है। उनकी एक सौतेली बहन थी जिसे वो जी जान से चाहते थे, लेकिन राजकुमारी के दिमाग में न जाने किसने ये फितूर डाल दिया कि राणा साहब उनके सौतेले भाई होने के नाते उनके जानी दुश्मन हैं। वो उनकी शादी करवा कर उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहती हैं। इसी गलतफहमी का शिकार बनकर राजकुमारी दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। भाई बहन में झगड़े शुरू हो गए, महल एक तमाशा बन गया और एक रात। तुम मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहते हो? खबरदार, दोबारा ऐसी बात अपनी जबान पर लाई तो लाऊंगी, एक बार नहीं हजार बार लाऊंगी। तुम मेरा क्या कर लोगे? मुझे मार डालोगे ना? मेरी जान ले लोगे ना? हाँ हाँ, अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारा गला भी घोटना पड़ा ना, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, भले इसके लिए मुझे फांसी हो जाए। ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे, घोट डालो मेरा गला। रखना
रत्ना, रत्ना बहन, ये चाकू किसने मार दिया? रत्ना, ये क्या किया आपने राणा साहब? रत्ना को सचमुच मार डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा बनी, ये किसने चाकू मार दिया इसको? जल्दी इस डॉक्टर को बुलाओ। अब डॉक्टर को बुलाने क्या फायदा, रत्ना तो मर चुकी है और आपके हाथ में ये खून से लथपथ चाकू भी है। मैंने खून नहीं किया। लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा राणा साहब? अभी अभी आप चला चला कर कह रहे थे कि अगर मुझे तुम्हारा खून भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर इस बात को मैंने सुना है तो न जाने इस महल में कितने नौकरों ने सुना होगा। नहीं बनी, मैं रत्ना खून कैसे कर सकता हूँ? हिम्मत से काम लीजिए राणा साहब, मैं आपका नमकहा दोस्त हूँ और साथ साथ इस रियासत का दीवान भी हूँ। मुसीबत के वक्त मैं आपके काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? आप एक बात का ख्याल रखिए, ये खून सिर्फ आपके और मेरे दरमियान रहेगा। इस वक्त आप यहाँ से चले जाइए और जो मैं कहूँ वही करते जाइएगा। जाइए, फौरन चले जाइए और ऐसा सोचिए आपने कुछ नहीं किया। जाइए। और इस तरह राणा साहब बनी के हाथों में आ गए। अब सच क्या है, झूठ क्या है, किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तुम जा सकते हो। चाय लाओ छोकरा, साथ के ले दो चाय निकाल। अबे कोई है? क्या? हाँ, एक कड़क चाय लाओ। कक्कड़ का फोटा, एक छह जायदे का रीजन। ये क्या कपड़ा है? मैंने राणा को मार दिया। कक्कड़ जिंदा है और वो भी महल में है। मैं तुझे चैन से नहीं रहने दूंगा। की जय हो। गू, तुम यहाँ? शुक्र है, पहचान तो लिया। अरे मैं तो डर रहा था कि अगर तुम नहीं पहचाने तो दोबारा पहचान करवानी पड़ेगी, लेकिन उस्ताद मान गए। साला किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और तुम लाखों करोड़ों की जायदाद के ऊपर सांप की तरह कुंडली जमा कर बैठ गए और उस्ताद बोलिया। किस साले को कानी कौड़ी चाहिए यहां से? मैं तो किस तरह यहां से भागना चाहता हूं। अरे पागल हो गए हो? बाहर जाते ही पुलिस तुम्हें दबोच लेगी। क्यों दबोच लेगी? क्या क्या है मैंने? राणा शांति दास का खून। हाँ, खून राणा साहब का। मैंने किसी का खून नहीं किया। ओ, तुम घबराओ मत। देखो अगर तुम राणा हो तो उस बेचारे कक्कड़ का खून तुमने किया है, और अगर तुम कक्कड़ हो तो राणा की सारी जायदाद पाने के लिए उसका खून तुमने किया है। बड़ी कुत्ती चीज हो तुम। वो तो हो, मेरी बात सुनो। अब चुपचाप राणा बनकर यहाँ जमे रहो, खुद भी ऐश करो और अपने दोस्त को भी ऐश करने दो। ऐश करो? यहाँ मेरे सर पे तलवार लटकी हुई है। वो बनी है ना यहाँ का दीवान, मेरी शादी टोनी से करवा के मेरी मुरली बजा देगा। अफा, वो क्या मुरली बजाएगा, हम उसका बिगुल बजा देंगे। अब तुम्हारा सेवक जग्गू आ गया ना यहाँ पर। असली राणा मर चुका है, अब इस रॉड के साथ खेल और भी आसान हो गया। चाल जरा संभल के चलो बनी। महाराज कुमार की जय हो। महाराज कुमार चलो, महाराज की जय हो। क्या बात है राणा साहब, आपके दुश्मनों की तबीयत कुछ नासाज है क्या? आपके दोस्तों के सर में दर्द हो रहा है इसलिए थोड़ी मसाज ले रहे हैं। इनकी तारीफ? ये हमारे खानदानी मालशिया हैं, जगन लाल खक्कड़ और जग्गो। इनके दादा हमारे दादा की
मालिश क्या करते थे? इनके वालिद हमारे वालिद की मालिश क्या करते थे? और अब ये हमारी मसाज करने आ गए हैं। हजूर जरा इनसे हमारी उंगलियों की तारीफ कर दीजिए। नहीं, इनसे मसाज करवा के देखो, हाथ पैर सीधे कर देंगे। हजूर एक मौका दीजिए। मौका जरूर देंगे। शुक्रिया। जरूर देंगे। अच्छा, ब्लैकमेल करना चाहता है मुझे? ब्लैकमेल? नहीं सुन, अव्वल तो मेरे पास एक पैसा नहीं, होता भी ना तो तुझे फूटी कौड़ी नहीं देता, और ज्यादा बकबकी ना तो सब बता दूंगा बन्नी को तेरी असलियत। तू है क्या बन्नी? तेरे की असली खजांची तो बन्नी है, जगू तू क्या कर रहा है? अमिया असली जाबर जबूल में तुम अब फंसे हो। जा बम बम बन्नी महाराज की जय। बेवकूफो, हराम खोरो, किस लिए इतनी मोटी मोटी तनख्वाह पाते हो तुम लोग? किस कदर सख्त पहरा हो तो बिटोनी महल से गायब हो गई। क्षमा कर दीजिए हजूर। शेर सिंह जी, अगर राणा की शादी वक्त से पहले ना हुई तो हमारी ये सारी रियासत अपने हाथों से निकल जाएगी। सुनो, जिस तरह टोनी महल से गायब हुई है उस तरह जग्गू भी महल से गायब होना चाहिए, लेकिन जिंदा नहीं, समझे? हेलो, कौन? नाम जानकर कोई फायदा नहीं जानी, काम जानकर जरूर फायदा होगा। फायदे की बात सुनो, राणा साहब मर चुके हैं और राजकुमार कक्कड़ ने उनकी जगह ली है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अभी तक तो सिर्फ हमें ही मालूम है जानी, लेकिन अगर जग्गू को छूने की कोशिश की तो पुलिस को भी मालूम हो जाएगा, और फिर तुम्हारे हाथ में इस रियासत की बेशुमार दौलत आने की बजाय जेल की चक्की आ जाएगी, समझे? कौन हो तुम? कौन हो? हेलो, हेलो, जरूर कोई गद्दार है। कौन है वो? वरना महल की चार दीवारी से खबरें बाहर कैसे जा सकती है? हम उस गद्दार को अभी खत्म कर देते हैं हजूर, आपके हुक्म पर हम जान देने को तैयार हैं हजूर। हजूर, आपके हुक्म पर तो हम भी जान देने को हाजिर है। चलो, तुम लोग जा सकते हो। हुजूर, बड़े परेशान लग रहे हैं, लेकिन मालिक हर बीमारी और परेशानी का इलाज होता है मालिश। यकीनन मालिक दुनिया भर का बोझा अकेले उठाए फिरते, कुछ इस मालशिये को भी सेवा करने का मौका दीजिए ना। जरूर जग्गू, जरूर। वैसे भी एक अकेला और दो ग्यारह होते। अरे वाह हजूर, देखा आपने मालिश के कमाल, कैसे रगों में खून दौड़ने लगा। लेकिन जग्गू जी, सबसे पहले हमें राणा की शादी के लिए एक लड़की चाहिए। अरे हजूर, ये भी कौन सी बड़ी बात है, वहां पर भी मालिश का ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा कि आप जिस लड़की से चाहेंगे राणा उसी लड़की से शादी करेगा। क्यों कक्कड़, बड़े बहादुर बन के राणा साहब की मदद करने आए थे? वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके खून का इल्जाम यकीनन तुम्हारे सर लगने वाला है। उधर चकू ने टोनी को भी ठिकाने लगा दिया, उसके खून का इल्जाम भी तुम्हारे माथे लगेगा। लगता है अब तेरी बारी है, उधर शांति तेरी जान को रो रही होगी। भाग जा यहां से, भाग जा।
आइए आइए राणा शांतिदास उर्फ राजकुमार कक्कड़। आप अपनी बीवी से मिलने के लिए भाग रहे थे। आपकी बीवी तो हमारी खास मेहमान है। राज? कमीने तेरी हरकत है ये। Get out! मुन्ने, जरूरत से ज्यादा बहादुर बनने की हमाकत न करो। हमें मालूम था तुम बहुत बड़े पत्नी वक्ता हो। अब तुम दोनों की भलाई इसी में है कि जो हम चाहते हैं वही करते जाओ। तुम्हारी शादी का सारा बंदोबस्त हो चुका है। राणा घराने की वसीयत के मुताबिक शादी के बाद तमाम जायदाद तुम्हारी बीवी के नाम पर होगी और वही जायदाद तुम्हारी बीवी शादी के बाद मेरे नाम पर कर देगी। उसके बाद मुन्ने तुम दोनों जहां चाहो जा सकते हो, आराम से रह सकते हो, किसी किस्म का फिक्र नहीं होगा। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। नहीं करोगे? अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तो अपनी बीवी का अंजाम देख लो। सोच लो, अब भी वक्त है। ले जाओ इसे। किस्मत ने तुम्हें बचाने के लिए मुझे जिंदा रखा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी मेरे काम ना आ सकी। मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और तुम इस रास्ते से चले जाओ। नहीं राणा साहब, अब मेरा और आपका रास्ता एक ही है। जिस मकाम पर हम दोनों पहुंच चुके हैं वहां से अब मेरा लौट के जाना नामुमकिन है। अब मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं। फिक्र है तो सिर्फ आपकी और अपनी बीवी की, जिसे बनी ने कैद कर रखा है। तुम्हारी बीवी यहां कैद है। इस हॉल का ज्योग्राफी अच्छी तरह से देख लो जग्गू। शादी के बाद दूल्हा दुल्हन वहां बैठेंगे और तुम उस बीच वाली बालकनी में होगे। मेरा इशारा पाते ही तुम राजकुमार कक्कड़ को गोली से उड़ा दोगे। वजीर साहब, मैं तो लड़की को इसलिए उठाकर लाया था कि आप कक्कड़ को डराएंगे, धमकाएंगे। आप तो उसकी शादी करवा रहे हैं। वजीर साहब, ये शादी करवाकर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्यों? जानते हो, शादी के बाद अगर मियां बीवी आपस में मिल गए तो शांति देवी अपनी जान दे देगी, लेकिन कागजों पर अपने दस्तखत नहीं करेगी। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जग्गू। दुल्हन के रूप में शांति नहीं बल्कि घूंघट के नीचे हमारी सूजी होगी। सिर्फ नाम के लिए। हेलो। वाह वाह वजीर साहब, क्या दिमाग पाया है। आपकी भी जाए जाए और हमारी भी जाए जाए। आप तुम जा सकते हो जग्गू। चलो। शेर सिंह, तुम जग्गू के पीछे बैठोगे। जो ही जग्गू कक्कड़ को गोली से उड़ाएगा तुम जग्गू को खत्म कर दोगे। मालिक का हुक्म सर आंखों पे।
पादे पदम 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 सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साधके पंचों के साथ जायदाद के कागजात पेश किए जाए। महारानी साहिबा, अपने मुबारक हाथों से इस वसीयतनामे पर दस्तखत कर दीजिए। बहुत बहुत मुबारक हो राणा साहब। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो।
कोई भी अपनी जगह से हिलने न पाए। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप लोग वक्त पर आ गए। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इनमें से एक कातिल है जो कानून से बचने के लिए महल से भाग गया था और दूसरा हमचक्र होने का फायदा उठा रहा है बहरूपिया बनकर। इनमें से कौन कातिल है? ये रोना जिसने लाखों करोड़ों रुपयों की जायदाद के लिए अपनी सौतेली बहन रत्ना का खून कर दिया था। इसका सबूत भी मेरे पास है। राम सिंह गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। सच और झूठ का फैसला कानून करेगा। ठहरिए इंस्पेक्टर साहब। राजकुमारी रत्ना जिंदा हैं। यह हो ही नहीं सकता। अगर उन्हें जिंदा पेश कर दिया जाए तो? नामुमकिन है। मुर्दे कभी कब्र से नहीं उठा करते। इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं बन्नी साहब। बेगुनाहों को बचाने के लिए कानून ने हजारों बार मुर्दों को कब्र से उठते हुए देखा है और आज आप भी अपनी आंखों से देखेंगे। अच्छा राजकुमारी रत्ना, राजकुमारी रत्ना, राजकुमारी रत्ना, बहुत हो गया ड्रामा कक्कड़ साहब। इंस्पेक्टर गिरफ्तार। साहब मुर्दा कब्र से उठा? ये झूठ है, सब झूठ है। जरा गौर से देखिए राजकुमारी रत्ना जिंदा है। अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए मुझे तुम्हारा गला भी घोटना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा भले इसके लिए मुझे फांसी हो जाए। ले लो मेरी जान, मार डालो मुझे, मार डालो मेरा गला। तुम्हारे भागने के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं। तुम्हारी असलियत का भांडा फूटने वाला है। इस ड्रामे का आखिरी पर्दा उठेगा। राजकुमारी रत्ना चिल्ला चिल्ला के दुनिया से कहेगी असलियत क्या है। उसे कत्ल कौन करना चाहता था? राणा साहब को फांसने की साजिश किसकी है? ये चाल किसकी है? बोलो रत्ना असलियत क्या है? तुम्हें किसने कत्ल करने की कोशिश की थी? इतने दिन तक तुम कहां रही? बोलो रत्ना चुप क्यों हो? बोलो। नहीं, तुम रत्ना नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मारा था, अपने हाथों से दफनाया था। नहीं, बोलो तुम कौन हो? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो? कौन हो? कौन हो? कौन हो? इंस्पेक्टर साहब कातिल आपके सामने है। थैंक यू मिस्टर कक्कड़। कानून इनका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है। आइए ठहरिए, ठहरिए साहब। इसकी जरूरत है आपको? इसे पाने के लिए आपने कई कत्ल किए, कितनी मेहनत की, मेरा हुलिया टाइट किया। लीजिए जेल में जोड़ते रहिएगा। खुदा हाफिज। जिस गुत्थी को हम नहीं सुलझा सके वो तुमने एक झटके में हल कर दी। जिंदगी और मौत की बाजी थी राणा साहब। अगर ईश्वर की दया ना होती तो हमारी ये स्कीम कभी कामयाब ना होती। भगवान के दरबार में देर है अंधेर नहीं। हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि तुम्हारा और हमारा
पिछले जन्म का कोई रिश्ता जरूर है। कक्कड़, आज से हमारी जायदाद, धन दौलत, हर चीज में तुम्हारा बराबर का हिस्सा है। नहीं राणा साहब, ये लाखों करोड़ों के चक्कर में मेरी जो दुर्दशा हुई है मैं ही जानता हूँ। आज एहसास हो गया है कि मेहनत की कमाई में जो सुख है वो कहीं नहीं। दुरुस्त कहा है बरखुरदार, निस्कमख्त रेस की कमाई में भी कोई सुख शांति नहीं है। आज के बाद नो टिप बाजी, बहुत पैसा अपने पास जो हम तुम्हें देंगे, चलो घर। जी नहीं, आपने मुझे हीरे जैसी बेटी दे दी, सब कुछ मिल गया। डैडी, हमें अपने झोपड़े ही अच्छा है। हाँ भैया, अपनी चाल सबसे अच्छी। अरे मैं भी तो यही कह रही हूँ, चाल ही अच्छी। चलो अपने खोली में चलते हैं। राणा की दुआएं आपके साथ है। वैसे भी जीना पड़ा, वैसे हम जिएंगे, जीना सकेंगे तो भी गम नहीं। प्यार की मां।